हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन हो गए थे। हाय देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिन हो गए थे कि कोई वीडियो नहीं बना रही थी, जस्ट बिकॉज पूरा एक हफ्ता पहले हमारी लाइफ में कुछ ऐसा डिज़ास्टर हुआ है जिसकी वजह से हमारी एक तरह से पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। आई लॉस्ट माई मदर ऑन 28 जुलाई और हमारी पूरी लाइफ ऐसे चेंज हो गई जैसे हमारी दुनिया उजाड़ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा, लेकिन एक तरह से यकीन ही नहीं आ रहा कि कैसे हमारी मामा की डेथ हो गई। लाइक वी डोंट हैव अ वर्ड्स, बिल्कुल सही थी, चलती फिरती, जस्ट फीवर हुआ था 3 दिन फीवर। उसके बाद ऑन द 4th डे शी वॉज़ हैविंग अ ब्रेकफास्ट और सडनली बोलने लगी कि मुझे सांस नहीं आ रहा, सांस उखड़ रहा है। वी वेंट फॉर हॉस्पिटल, लेकिन वहीं उनका दिखना बंद हो गया, वेंट पे चली गई। ऐसा डिज़ास्टर हमारे ऊपर हुआ है, इस ट्रामा से जैसे हम गुजर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मैं बोलूँ क्या करूँ। कहीं कुछ करने का दिल नहीं करता, कुछ किसी से बात करने का दिल नहीं करता। बस ये सोचती हूँ कि मेरी मम्मा इतनी जल्दी क्यों चली गई। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा सब मैनेज, क्या करेंगे हम लोग। अभी तो एक तरह से हम लोग खुद एक शॉक में, लोग कहते हैं तसल्ली ले लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक होगा, तुम्हारी माँ देख रही है, लेकिन कोई तसल्ली नहीं मिल रही। माँ के बिना तो ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी जो है वो बेरंग हो गई है। कुछ अच्छा नहीं लगता, घर ऐसे लगता है इतना कि घर में अब कोई रहता ही नहीं। कहने को हम लोग अभी भी 4 लोग हैं घर में, लेकिन तब भी बिना एक मेंबर की वजह से ऐसे लगा है कि पूरा घर खाली हो गया। घर जाने का दिल नहीं करता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। आज भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कैसे बनाई, मैं हिम्मत ही नहीं अब थी बना। मुझे नहीं पता मैं कब तक स्टेबल होंगी, कब तक मेरी फैमिली स्टेबल होगी इसको लेकर, जो ड्रामा जिस ड्रामा से हम गुजर रहे हैं। क्योंकि अभी तो हम इस कदर शॉक में हैं कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा, और जिनको बता रहे हैं उन वो लोग समझते हैं कि हम लोग पागल लोग हैं जो हम ऐसी बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरी माँ बिल्कुल जवान थी जब थी, तो अब बस मैं यही दुआ करती हूँ कि हम सबको उम्मीद एक तरह की तसल्ली मिल जाए। एंड आई होप आप लोग भी हमारे लिए यही दुआ करें कि और तसल्ली हमें मिले, क्योंकि तसल्ली तो शायद ना मिले लेकिन जीना आ जाए, इसके साथ रहना आ जाए, या आदत एक पड़ जाए इसके साथ रहने की कि हमें ये एक्सेप्ट करना पड़े कि हमारी मम्मा हमारे साथ नहीं है। लेकिन फिर भी आई होप कि खुदा हमें तसल्ली दे, हमें एक हौसला दे कि हम इसको सब्र से फिर कर सकें, हमें एक मिल जाए तसल्ली कि हाँ जहाँ भी है हमारी मम्मा एक अच्छी जगह पे। सब कह रहे हैं कि अच्छी जगह पे है, लेकिन तब भी हम कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारी प्रेजेंस नहीं, उनकी प्रेजेंस नहीं है हमारे पास। तो बस जो वो खुदा की मर्ज़ी से होता है, लेकिन फिर भी इंसान तो हमेशा अपने प्यारों को अपने पास रखना चाहता है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर। बाय।